नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और सिलसिला बाजारों को मैं चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। तो कम्युनिटी बाजार के अपडेट से शुरू करेंगे और शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त $1,850 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और सिल्वर $24.60 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में एक लगातार एक अच्छी शानदार बढ़त के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और जो बुलियंस एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज हैं, उनका भी यही कहना है कि साल के अंत तक और आने वाले साल में भी सोने चांदी की कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है रूपा जी, आइए उनसे जान लेते हैं आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैग्राम सीरीज पर। रूपा जी, जिस हिसाब से सोने में कल के मुकाबले आज अचानक $20 से $25 की बढ़त बनती हुई नजर आई है, उससे आपको क्या लगता है, क्या सोने में $1,900 के भी लेवल्स इसी कारोबारी सप्ताह देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सोने और चांदी की बात है अखिलेश, सोने और चांदी में बिल्कुल अब तेजी का रुझान है और आगे नए लेवल सब सोने और चांदी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कंटिन्यूशन में सोने के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, डॉलर में गिरावट है, इस वजह से सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जो बाजार हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, $1,850 का लेवल ब्रेक कर सोना आज एक अपसाइड अच्छी खासी मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। $840 जो हमने लेवल दिए थे वो अचीव हो गए और अब मुझे लगता है यहाँ से $1,860 से लेकर $1,880 अगला टारगेट सोने के अंदर देखने को मिल सकता है। सेम एज इट इज चांदी के अंदर भी बाइंग है, चांदी में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी 65,000 के ऊपर यानी 66,000 का स्तर आज छू दिया है चांदी ने, जो 65,000 के नीचे लगातार ट्रेड करती दिखाई दे रही थी। और सोना आप देखिए आज 49,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। तो मैंने दिवाली से पहले ही ये बोला था कि सोना जो है वो 50,000 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है और हमने आज वो लेवल, अब मुझे लगता है कि हार्डली एक वीक के अंदर ये लेवल्स अचीवेबल है। $1,860 के बाद $1,880 के लिए सोने के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सर रूपा जी, बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले कच्चे तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। खबर निकल के सामने ये है कि यूएस में क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, आपको क्या लगता है, क्या क्रूड में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, क्रूड भी तेजी की तरफ है, MCX पर हम लगातार क्रूड के अंदर तेजी देख रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेजी है और 6,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है। आज जरूर हल्के लाल निशान के साथ क्रूड डोमेस्टिक मार्केट में कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन विदेशी बाजारों में $80 के ऊपर अभी भी सस्टेन है कच्चा तेल और ब्रेंट भी $80 के ऊपर यानी $82 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो छुटमुट गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि OPEC देशों की तरफ से उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा, सप्लाई काफी तंग है, इसलिए हो सकता है कि उत्पादन बढ़ जाए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यूएस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास हुआ है उसने भी काफी हद तक इसको सपोर्ट दिया है और अभी प्रोडक्शन OPEC देशों की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि फिलहाल वो उत्पादन बढ़ाने पर कोई विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उसकी वजह से कच्चा तेल जो है वो सपोर्ट जरूर ले रहा है, लेकिन उतनी तेजी पकड़ नहीं रहा क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि प्रोडक्शन बढ़ सकता है, लेकिन देखा जाए दूसरी ओर तो प्रोडक्शन बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है कि क्रूड आने वाले दिनों में तेजी की तरफ जा सकता है, छुटमुट गिरावट आ सकती है, $80 अहम सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे लुढ़क सकता है, अदरवाइज $80 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको ऊपर में $83 से लेकर $85 तक ले जा सकती है। कच्चा तेल मुझे लगता है कि ₹6,200 से ₹6,300 के बीच कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से देख रहे हैं आज एक लाल निशान के साथ बेस मेटल्स में कारोबार दर्ज किया जा रहा है? देखिए, बेस मेटल्स में तेजी है अखिलेश, कोई गिरावट का दौर नहीं है फिलहाल, जो है छुटमुट आप बिकवाली कह सकते हो देखने को मिल रही है। निकेल लगातार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिली है, कॉपर में भी इन्वेंट्री घटी है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बेस मेटल्स के अंदर पॉजिटिव है रुझान। कॉपर आज देखिए 732 पर है, 740 मतलब कॉपर में रेंज बन चुकी है, 700 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा लेकिन नीचे गिरता है, वहां से वापिस से 732-738 तक ऊपर जाता है, तो ये एक रेंज बाउंड है कॉपर, और 740 के ऊपर निकलेगा तो वापस लंबी तेजी में जा सकता है। निकल को देखिए 1500 के नीचे लुढ़का था लेकिन अगेन तेजी है, 1522 पर आज कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से 1540 से 1560 का स्तर निकल में देखने को मिल सकता है। जिंक जो 300 के ऊपर चला गया था वो नीचे लुढ़का है,
अब 278 पर कारोबार करता आज दिखाई दे रहा है और ऊपर में अब मान के चलिए 282 तक एक बार ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज एल्यूमिनियम भी आए 210 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बेस मेटल्स में मैं काफी पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि नीचे ले स्तरों पर बेस मेटल्स के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चलना चाहिए। जी रूपा जी, नेचुरल गैस में आपकी तरफ से क्या लेवल्स रहेंगे आज इंट्राडे के लिए? देखिए जहां तक नेचुरल गैस की बात है अखिलेश, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस देखिए गिर चुका है, 400 के ऊपर जो ट्रेड कर रहा था वहां से अच्छी करेक्शन आई और अब थोड़ा बहुत सपोर्ट ले रहा है, तो बहुत ज्यादा तेजी की तरफ नहीं है। ऊपर में आज इंट्राडे में देखा जाए तो 372 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से नॉन एग्री में आज के लिए टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मेरे हिसाब से एज यूजुअल जैसे मैंने हमेशा बोला है, सोने और चांदी में आप खरीदारी में रहिए। सोना और चांदी आने वाले दिनों में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अब सोना यहाँ से 50,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है और चांदी 68,000 तक ऊपर जा सकती है। जी तो यानी कि सोना और चांदी ये दो टॉपिक्स रहेंगे बुलियंस में, इन दोनों की कीमतों में आगे जाके और इजाफा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।